हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल डू वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूस ऑफ क्लास सिक्स्थ. सो विल बिगिन विद वर्ड मीनिंग द फ्रेंडली मंगूस. दिस आई हैव ड्रॉन जस्ट अ पिक्चर ऑफ मंगूस एंड फर्स्ट वर्ड इज कंपेनियन, फ्रेंड, साथी. वी ऑल हैव मैनी कंपेनियंस ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड. फ्रेंड, साथी, दोस्त, मित्र, सखा, इतने सारे पर्यायवाची होते कंपेनियन के, हैं. अलोन, लोनली, अकेला, क्रेडल, अ स्विंग लाइक बैट, पालना, रॉक, मूव टू एंड फ्रो, पालने में झूलाना. रॉक तो वी हैव डन, मूव टू एंड फ्रो, पालने में झूलाना. कीप एन आई, वॉच, निगरानी रखना. सो आवर पेरेंट्स कीप एन आई ऑन अस, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं, आपके भी रखते हैं बच्चों, सो बी केयरफुल. गिल्टी, कल्प्रिट, गुनहगार. स्मीयर, कोट विथ समथिंग, किसी चीज़ से लथपथ. यहाँ पर फिलहाल जो मंगूस था, नेवला था, वो खून से लथपथ था, उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था. स्क्रीम्ड, चिल्लाई, शाउटेड, चिल्लाई, शाउटेड. हिस्टेरिकली, अनकंट्रोलेबल एंगर. इस पोएम की बात करें तो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल एंगर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा. किसान की पत्नी इतना गुस्सा थी कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाई और बहुत बड़े डंडे से उसने मंगूस को मार गिराया. रेज, एंगर, गुस्सा. सॉबिंग, क्राई विथ गास्प. और क्योंकि वर्ड में आईएनजी लगा है, सॉबिंग है, तो मैं पे क्राइंग भी कर सकते हैं. क्राइंग विथ गास्प, सुबकते हुए रोना. आप लोग भी रोते हैं जब मम्मी पापा आप लोगों को मारते हैं. सो ये वर्ड मीनिंग थे इस चैप्टर के, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. लोग ध्यान से देखिए क्लैरिटी के साथ. आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको दिस इज नेक्स्ट वर्ड, अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनजान. इग्नोरेंट, अनजान. वाइप, क्लीन और क्लियर टीयर्स, आंसू पोंछना, आंसू पोंछना. सो हमने वर्ड मीनिंग्स किए इजी लैंग्वेज में. अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. Why did the farmer bring baby mongoose into the house? जो किसान था वो अपने घर में नेवले का बच्चा क्यों लेके आया? The farmer brought a baby mongoose for the company of their son. जो किसान था वो baby mongoose या नेवले का बच्चा लेके आया ताकि उसके बच्चे को company मिले, साथ मिले, अपने बेटे के साथ के लिए वो नेवले का बच्चा लेके आया. Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? किसान की पत्नी क्यों नहीं चाहती थी अपने बच्चे को अकेला छोड़ना नेवले के साथ? Farmer's wife did not want to leave the baby alone with the mongoose because she thought the mongoose would harm him. ये थोड़ा बड़ा हो गया आंसर बच्चों, लेकिन जो बच्चा कर सकता है वो इसको करो, फिर मैं आपको शॉर्ट आंसर भी देती हूँ. किसान के बीवी ने सोचा कि वो अपने बेटे को अकेले नहीं रहने देगी मंगूस के साथ, क्योंकि उसको लगा कि मंगूस किसी भी समय उसके बच्चे को चोट पहुँचा सकता है. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा आंसर, द फार्मर्स वाइफ थॉट दैट द मंगूस माइट इंज्योर द बेबी. ये बिल्कुल सही आंसर है और आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं. द फार्मर्स वाइफ थॉट दैट द मंगूस माइट इंज्योर द बेबी. आई एन जे यू आर ई, आई एन जे यू आर ई, इंज्योर द बेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स. जब फार्मर को अपनी बीवी के डर के बारे में पता चला तो उसने क्या कहा उसको? He told that mongoose was friendly and best friend of our baby, so you need not worry.
फार्मर ने कहा अपनी बीवी को कि मंगूस बहुत फ्रेंडली है, उसका जो व्यवहार है बहुत दोस्ताना है और वो हमारे बेटे का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ही टोल्ड दैट मंगूस वॉज फ्रेंडली एंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर बेबी, सो यू नीड नॉट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक मंगूस विद हर बास्केट। किसान की पत्नी ने नेवले को अपनी टोकरी से क्यों मारा? शी स्ट्रोक मंगूस विद हर बास्केट बिकॉज शी थॉट दैट मंगूस हैड किल्ड हर सन। उसने जोर से अपने बास्केट से नेवले को मारा क्योंकि उसने सोचा कि जो मंगूस है उसने उनके बच्चे को मार दिया होगा। सो अगेन विल डू, शी स्ट्रोक मंगूस विद हर बास्केट बिकॉज शी थॉट दैट मंगूस हैड किल्ड हर सन। उनके बेटे को मंगूस ने मार दिया है, यही सोचकर उसने बास्केट जोर से नेवले के ऊपर फेंकी। डिड शी रिपेंट? हाउ? रिपेंट का मतलब होता है बच्चों पश्चाताप करना, शोक करना। क्या उसको शोक हुआ क्योंकि उसने बहुत जोर से जब बास्केट मारा तो मंगूस की मृत्यु हो चुकी थी? क्या उसने शोक किया और कैसे? श्योरली शी रिपेंटेड, शी सॉब्ड एंड लव द डेड मंगूस। और निश्चय ही उसने पश्चाताप किया था और ये हमें पता चलता है कि वो सुबकी मार मार कर रो रही थी और उसने मृत पड़े मंगूस को, डेड मंगूस को भी प्यार किया और ज़ोर ज़ोर से वो सुबकी मार के रो रही थी। इसने हमें बताया या इस एक्ट ने हमें बताया कि उसको अपने केयरलेस एक्ट के ऊपर पश्चाताप है, शोक है, दुख है कि उसने बिना देखे जाने सोचे समझे एक फ्रेंडली मंगूस, एक हेल्पफुल मंगूस जो कि उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड था, उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। श्योरली सी रिपेंटेड, शी सॉब्ड एंड लव्ड द डेड मंगूस। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन आंसर लिखिए, वर्ड मीनिंग लिखिए और ध्यान से समझिए चैप्टर को और लर्न भी कीजिए। थैंक यू।